रेडी टू फ्लाई विथ एमिरेट्स एयरबस 380। ऑफिशियली आपको बता दूँ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कह लीजिए, बिगेस्ट कह लीजिए, पैसेंजर एयरक्राफ्ट। नमस्ते लंदन, आज की डेट ऑफ जर्नी 26th अक्टूबर, और आपको बता दूँ मैं आया था लंदन 26th सितंबर को, तो बिल्कुल एक महीना बिताने के बाद इन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड आप कह लीजिए, अब यहाँ से निकलने के लिए तैयार, अब जा रहे हैं अपने देश, अब जा रहे हैं अपने घर। तो बस आप पीछे ये देख लीजिए, ये हॉस्टल है जहाँ पर मैं लगभग आप कह लीजिए 10 दिन रहा। ओनली 24 pounds पर नाइट, इससे सस्ता आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाजू में एक दो इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो प्रॉपर्टी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ से मैं जा रहा हूँ हीथ्रो एयरपोर्ट, आपको कैसे जाना है वो मैंने ट्रैवल गाइड में पहले ही दिखाया है। यहाँ से एयरपोर्ट मान लीजिए लगभग 1 से 1.5 घंटा, तो अब मेरी आपसे सीधी मुलाकात वहीं होगी। और लंदन का वेदर कहना पड़ेगा, अगर आपको ठंडा वेदर पसंद है ना, लंदन इज़ फॉर यू। चलिए इस वाले व्लॉग की शुरुआत करें। इसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एमिरेट्स एयरबस 380 की फ्लाइट जर्नी। भाई साहब मज़ा आएगा, शुरू करें। नहीं, आपको स्टाइल पता था, कमॉन, थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। 30 डेज कहाँ निकल गए पता ही नहीं लगा, वीडियोज़ बनाते बनाते, घूमते घूमते। बस जैसा मैं आपसे कहता हूँ, घूमते रहिए जनाब, घूमते रहिए, ठीक है। यहाँ से हॉस्टल से चेकआउट करेंगे, लगेज लेंगे, यहाँ से बस लेंगे, अब सीधी आपसे मुलाकात होगी मेरी एयरपोर्ट। टेस्ला, टेस्ला चाहिए। हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दूँ, ट्रैवल बुकिंग्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ वीगो ऐप, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप, बिकॉज वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स। अगर आप इंग्लैंड के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड यू वीगो यूज़ कीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको मिलेंगी बेस्ट फ्लाइट्स एंड होटल्स। तो किस बात का इंतज़ार है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर ऐप आपके पास ऑलरेडी है, अपडेट ज़रूर कीजिएगा, आपको मिलेंगे एक्साइटिंग फीचर्स। एंड इंडियन कस्टमर्स के लिए IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। हॉस्टल से यहाँ तक मैं कितने में आया हूँ, 12 pounds, एकदम सस्ता जुगाड़ करके चलेंगे। सिंपल है, मतलब सिर्फ साइंस फॉलो करते जाइए और आप अपनी जगह पहुँच जाएंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पर अलग अलग गेट है, गेट डी हो गया फॉर ब्रिटिश एयरवेज, एमिरेट्स का इट इज़ एफ, एमिरेट्स से फ्लाई करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये वाली जर्नी मैं आपको दो पार्ट में दिखा रहा हूँ। देखो, एमिरेट्स का फ्लाइट व्लॉग ऐसा कैसे हो सकता है। तो पहला पार्ट यहाँ से दुबई मैं आपको दिखा रहा हूँ एयरबस 380, और फिर दूसरे पार्ट में आपको देखने को मिलेगा दुबई टू मुंबई, वो होगा एमिरेट्स का बोइंग। भाई साहब मज़ा आने वाला है। और हीथ्रो का एयरपोर्ट कोड, चलिए आपके लिए छोटा सा होमवर्क, अगर पता है ज़रा कमेंट करके बताइएगा। सबसे अच्छी बात है यहाँ का तो आप वेदर देखिए। चलिए अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस है। फ्री वाईफाई, चिल करेंगे, एंजॉय करेंगे। लगेज चेक इन डन, सिक्योरिटी भी डन, बोर्डिंग पास मिल चुका है। जब मैं सिक्योरिटी में एंटर कर रहा था, जो लेडी ऑफिसर थी, शी इज़ फ्रॉम इंडिया, और वो बोलती है आप तो वो यूट्यूबर है ना फ्रॉम इंडिया, लोग हीथ्रो पे पहचानने लग गए यार, सब आपका सपोर्ट और आपका प्यार है। आपको बता दूँ यहाँ पे इन्होंने एक एयर सुविधा फॉर्म फिल कराया है, ऑनलाइन आप फिल कर सकते हो विद इन 2-3 मिनट्स, वो मुझे नहीं पता था। फुली वैक्सीनेशन इज़ मैंडेटरी, अदरवाइज़ आपको RT-PCR रिपोर्ट भी कैरी करनी पड़ेगी। एमिरेट्स की जो मेरी फ़्लाइट है वो है लगभग 8 बजे की, करंट लोकल टाइम आपको बता दूँ इट इज़ 2:00,
यस बहुत टाइम है, तो मैंने सोचा चलिए हीथ्रो पे लाउंज ट्राई करेंगे, तो आपको मेरे को वो लाउंज भी दिखाना और आप ये हीथ्रो एयरपोर्ट देखिए। बट प्लीज़ मेक श्योर जो भी आपकी फ़्लाइट है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी चेकअप वगैरह सब कुछ आपको बताई है, मेक श्योर कम से कम 4 घंटे आप एक्स्ट्रा ज़रूर लेके चलिएगा। अभी तो यहाँ पर इन्होंने क्या है, अगर आप देखोगे अगर अभी यहाँ पर गेट भी नहीं लगाया, तो अब हम जाएंगे लाउंज में और मेरे को ज़रा हीथ्रो का लाउंज देखने दो कैसा है भाई साहब। क्या सच दार फ्लाइट व्लॉग्स में ना, अभी तो आप देखिएगा आपके लिए बैक टू बैक इंटरनेशनल फ़्लाइट व्लॉग्स अब आने वाले हैं। बट दिल को सुकून मिलता है जब लोग दूसरी कंट्री में पहचानने लगते हैं ना, दिल को सुकून मिलता है। और फाइनली एमिरेट्स, पता नहीं इसका मैंने कितना इंतज़ार किया, सपने देखिए सपने पूरे होते हैं। रेडी टू फ्लाई विद एमिरेट्स एयरबस 380, ऑफिशियली आपको बता दूं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कह लीजिए बिगेस्ट कह लीजिए पैसेंजर एयरक्राफ्ट। सब शॉपिंग पूरा आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो, और अगर यहाँ GBP में शॉपिंग करोगे ना फिर तो बता रही क्या होने वाला है। असली ज़िंदगी तो आपको सच बता रहा हूँ एयरपोर्ट्स के लाउंज में, बिल्कुल फ्री एक्सेस, खाना पीना वेज नॉन वेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री वाईफाई मिलेगा और अगर चाहिए तो आपको शावर भी मिलेगी, A1 क्वालिटी फूड। अभी तो देखिएगा अभी तो फ्लाइट का पूरा आपका फूड बाकी है। आपको बता दूँ जो ये इंटरनेशनल एक्सेस लाउंज का फ्री मिलता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स। जो ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ वो है प्रायोरिटी पास। आप सब कुछ ऑनलाइन पढ़िएगा इसके बारे में, काफ़ी क्रेडिट कार्ड्स हैं जिन पर आपको अनलिमिटेड इंटरनेशनल लाउंजेस फ्री एक्सेस मिलता है, वो सब आप ऑनलाइन पढ़िएगा या मैं कोशिश करूँगा कभी इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना पाऊँ। एमिरेट्स का खुद का लाउंज भी है फर्स्ट क्लास के लिए, बिजनेस क्लास के लिए इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आप इकोनॉमी जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसमें ट्रैवल करोगे तो ये पता है कितना चार्ज कर रहे हैं एमिरेट्स वाले, 140 pounds, लगभग 15,000 rupees लाउंज एक्सेस के लिए। बिकॉज मेरे पास है प्रायोरिटी पास, तो मैं ये कोने में बैठा हूँ। अगर मैं दूसरी साइड अगर आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये पूरा लाउंज है, आपको फ्री जैसे मैंने आपको बताया फ्री वाईफाई, बिल्कुल एक माहौल देखिए भाई साहब। और जब इतना अच्छा खाना फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ये एप्पल जूस, बट अगर आप चाहो तो वाइन भी कॉम्प्लीमेंट्री अनलिमिटेड, खाइए जितना खा सकते हैं, कॉफ़ी जूस कोल्ड ड्रिंक्स जो चाहिए आपको यहाँ मिलेगा। ये है भाई साहब, ये है लाइफ, मैंने तो कसम खा ली। जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंजेस हैं ना सब ट्राई करेंगे, तो यहाँ आराम से फ्लाइट का वेट करेंगे, जब भी फ्लाइट का टाइम होगा फिर देखेंगे। लाउंज में टाइम कहाँ निकलता है पता ही नहीं लगता, इट इज़ 7:45। अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारी अब बोर्डिंग स्टार्ट कर दी गई है। फ्लाइट आपको बता दूँ एमिरेट्स, दिस इज़ EK004 एयरबस, जैसा मैंने आपको बताया 380-800। अभी एयरक्राफ्ट उस तरफ है तो अभी फ़िलहाल दिखेगा नहीं। कुछ टेक्निकल डिटेल्स आपको बता दूँ, टोटल पैसेंजर कैपेसिटी इकोनॉमिक क्लास की मोर देन 550, बिजनेस क्लास की अराउंड 60 आप मान लीजिए। एयरबस A380 एक प्लेन की कॉस्ट अराउंड 235 million USD। और आपको सबसे एक और फैक्ट बता दूँ, लैंडिंग गियर्स जानते हैं इस वाले एयरक्राफ्ट में, वर्ल्ड्स बिगेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट, कितने व्हील्स हैं लैंडिंग गियर 22। और अगर आप इस तरफ देखोगे इस तरफ भी कंता इसका एक खड़ा है, दिस इज़ एयरबस 380, आई गेस दिस इज़ गोइंग टूवर्ड्स सिडनी। आप ये एयरक्राफ्ट देखिए, पता नहीं कैमरे पे क्या लग रहे हैं बट इनका आप साइज़ देखिए, सोचिए मोर देन 600 पैसेंजर्स अब बोर्ड करेंगे, तो यहाँ पर तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। और प्लीज़ ध्यान रखिएगा पार्ट टू ज़रूर देखिएगा, वो है बोइंग 777 एमिरेट्स का, फ्रॉम दुबई टू मैं जाऊँगा मुंबई, और मेरे को मिली है फ्री में विंडो सीट। मैं कोशिश कर रहा था आपको बाहर के नज़ारे दिखाने की, बट डे में कोई फ़्लाइट ही नहीं थी, बट मेरे को एयरबस में ट्रैवल करना था, तो कोशिश करेंगे जो भी आपको दिखा पाएँ। दोनों में विंडो सीट है भाई साहब, मज़ा आने वाला है, खाना पीना फूड नामा सब कुछ आपको दिखाएंगे। अगर आप देखोगे वहाँ पर एमिरेट्स की पूरा जो क्रू है, इकोनॉमी का क्रू अलग है,
बिजनेस का क्रू अलग है, पायलट्स आप देख सकते हो सब बोर्ड करने वाले हैं। अगर आप एविएशन लवर है ना, दिस व्लॉग इज़ फॉर यू। देखते हैं कितना टाइम लगता है। फ्लाइट है 8:40 की, अभी तो लगभग एक घंटा आप मान लीजिए। लेट्स सी। यहाँ पर अभी भी हमारी आप देख लीजिए बोर्डिंग चल रही है। इन्होंने थोड़ा लाइट्स डिम कर रखा है, ज़रा आपको दिखा दूँ। यहाँ पर ये स्क्रीन हो गई, मूवीज़ वगैरह सब आगे चल के देखेंगे, बट मेरे को चार्जिंग का देखना पड़ेगा। यहाँ पे चार्जिंग का कैसे है, आई गेस ये रहा, USB इन्होंने चार्जिंग दे रखा है। ये साइड पॉकेट्स देख लीजिएगा, इस तरफ मैगजीन्स एंड स्टाफ आप देख सकते हो। यहाँ पर ये इन्होंने हेडफोन्स दिए हैं, प्लस उसके साथ ये ब्लैंकेट हो गया। पीछे पिलो दी गई है, पिलो भी हो गई। और इस तरफ आप देख लीजिए कॉम्बिनेशन, अगर आप देखोगे सो दिस इज 3, 3 एंड 3 का कॉम्बिनेशन, जो मैंने आपको बताया था। पैसेंजर कैपेसिटी मोर देन 550। अगर आप देखोगे इस तरफ फ्यूल, मैं आपको बता दूं इस एयरक्राफ्ट की फ्यूल कैपेसिटी अराउंड 3,20,000 लीटर्स आप देख सकते हो इस तरफ। चल रहा है, आपको बता दूँ दिस इज़ डबल डेकर। हाँ, चार इंजन है एंड दिस इज़ डबल डेकर। मैं हूँ लोअर डेक में। अब यहाँ पर फूड की शुरुआत कर दी गई है, तो अब मैं आपको एक एक करके फूड नामा दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर फूड में क्या सर्व किया जा रहा है। बिकॉज एमिरेट्स है तो फूड की क्वालिटी तो खैर आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, बट कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया 3, 4, 3 का कॉम्बिनेशन है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बिजनेस क्लास टूर भी मेरे को आपको देना है। फिलहाल पैसेंजर्स ऑन बोर्ड है, बट लेट्स सी। जनाब करंटली आई गेस एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ कब्स, आई गेस कुछ 38,000-39,000 feet। चलिए आपके लिए अब बैक टू बैक फूड नामा। थोड़ा सा यहाँ लाइट कम है, तो प्लीज़ लाइट का मैनेज कीजिएगा। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करके, ये देखिए, ये इन्होंने मेरे को आज का पूरा मेन्यू दिया है, लंदन से दुबई तक की फ़्लाइट में क्या क्या हमको यहाँ सर्व किया जाएगा। वेज मैं आपको बता दूँ, ये देखिए ये स्पिनच है, बट ये पता नहीं इन्होंने क्या दिया है, ये सच में मेरे को नहीं पता। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, दिस इज़ आई गेस राइस, सम डिफरेंट क्वालिटी ऑफ राइस विथ टोमेटो। ये आपके लिए फ्रूट सैलड हो गई, इस तरफ आपको बटर हो गया, और यहाँ पे इन्होंने ये एक ये वीट रोल दिया है। आई गेस डेजर्ट में देखते हैं क्या देने वाले हैं मिष्ठान में। आपको पूरा एक बार वाइड एंगल में दिखा दूँ, वेज में ये दिया गया है। नॉन वेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा तंदूरी चिकन। डेजर्ट में देखते हैं क्या ये यहाँ पर सर्व करने वाले हैं, बट भाई साहब यही है, इंटरनेशनल फ्लाइट में होता है ना तो फूड का कुछ अलग ही होता है। और इस तरफ आप ये देखिए, यहाँ पर ये आपको दिखाना ज़रूरी है, अगर आप देखोगे स्क्रीन पर, तो करंटली स्पीड हमारी 560 miles per hour। ऑल्टीट्यूड अगर आप देखोगे 39,000 feet। आउटसाइड टेम्परेचर -61। कितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, कितना बाकी है, आपको ये सब दिखाएगा। और आपको ये दिखाऊँ, सो दिस इज़ द फ्रंट कैमरा, हाँ, जो एयरक्राफ्ट में लग रहा है। तो अगर आप यहाँ देखोगे, ये दिख रहा, ये एक दो आप एयरक्राफ्ट देख सकते हो। तो ये बिल्कुल फ्रंट हो गया, ये बैक का, अभी क्या बाहर अंधेरा है तो कुछ आपको दिखेगा नहीं। ये देखिए, ये बिल्कुल फ्रंट का है। सब स्टेट्स आप यहाँ देख सकते हैं, बट टाइम टू एन्जॉय फूड। सफ़रनामा चल रहा है, मैं सोच रहा था कुछ और खाने को मिलेगा, सैंडविच वगैरह, बट यहाँ इतना लिमिटेड ऑप्शन। अब इन्होंने ये मफिन दिया है, पेस्ट्री है, जूस, एल्कोहल वगैरह, या अगर आप कॉफ़ी लेना चाहें, मैंने लिया है एक कड़क कॉफ़ी। आप देखोगे ये डेजर्ट भी मैंने लिया है चॉकलेट का। खाने में भाई साहब एयर बस, मैं सोच रहा था कुछ और मिलेगा। अब यहाँ से दुबई के लिए लगभग आप मान लीजिए 1.5 घंटे की जर्नी, और करंटली एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 41,000 feet। बाहर
बिल्कुल अंधेरा है, बाहर का कुछ भी नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा। हम कवर कर रहे हैं कुछ, आपको बता दूँ, लंदन टू दुबई कुछ 3500 माइल्स, जो ड्यूरेशन ऑफ जर्नी है दैट इज़ अराउंड 7 आवर्स। बिल्कुल ऑन टाइम जा रहे हैं, आपको ऑन बोर्ड वाईफाई भी मिलेगा, बट दैट इज़ पेड वन। बट डियर एमिरेट्स, यार खाने का कुछ और तो देते हैं यार। मफिन खा, इतने पैसे देके मफिन खा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मेरी आपसे सीधी मुलाकात लैंडिंग के बाद ही होगी। पैसेंजर्स को डिस्टर्ब नहीं, लाइट्स वगैरह बंद कर रखी है, फ्लैश लाइट यूज़ करके मैं पूरा एयरक्राफ्ट फुल जा रहा है, मोर देन 550 पैसेंजर्स। दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर आपका स्वागत है। मैं कोशिश कर रहा था बिज़नेस क्लास बार काउंटर आपको दिखा पाऊँ, बट वो ये कभी कभी स्टाफ ऐसा मिल जाता है, तो आप भी समझ सकते हो, कह रहे हैं ऊपर सब गंदा हुआ है, मतलब मैसअप है, तो वो हम आपको नहीं दिखा सकते। दुबई आई गेस दूसरी या तीसरी बार, दुबई में पहले भी आया हूँ। जितने व्लॉग्स हैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ से आगे की कहानी, जो नेक्स्ट फ्लाइट है मुंबई की, वो आपको देखना है पार्ट 2। ठीक है, बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मेरे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। जल्दी से मूव करना पड़ेगा, सिक्योरिटी चेक इन करना। आप बोर्डिंग पास मेरे पास ऑलरेडी है, लगेज डायरेक्टली मेरे को मुंबई मिलेगा। यहाँ पर सिक्योरिटी है, जल्दी से सिक्योरिटी करें भाई साहब, नेक्स्ट फ्लाइट जाएगी। इतना जल्दी करना पड़ता है ना, सच में यार, कभी कभी तो ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही लाइफ में मेरी एडवेंचर हो जाता है। ठीक है, मिलेंगे आपसे। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। जो नेक्स्ट व्लॉग है दैट इज़ बर्थडे व्लॉग, 31 अक्टूबर को बोइंग का, तो वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा। कॉस्टिंग वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताई जाएगी कि मैंने कितना दिया। यस यस यस, ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। 7 घंटे की जर्नी अभी मैं करके आया, तुरंत सिक्योरिटी करेंगे और वापस 3 से 4 घंटे की जर्नी। ठीक है, ठा ठा।